तो देखिए मेरा पोक्ची क्या कर रही है आज, क्या कर रही हो यार? इधर से देखो, इधर से देखो ना, इधर से देखो। अभी मैं बना रही हूँ सुबह सुबह का नाश्ता। सुबह का तो नहीं, अभी बजे कितना, 9:30 हो गया। और यहाँ पर है हाँ, चावल, चावल तो दाल, मैंने 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 बैठा हस्बैंड दिया था, बना हो गया दिया। चावल और कल का यहाँ पर है दाल दाल, है ये का। अच्छा हो जाएगा। और ये मैं कल में भी बनाया था परोठा, अभी बना रही हूँ। आज में भी क्या पराठा, बनाओगे आज? पराठा बनाऊंगा ना। परोठा? हाँ बनाओ परोठा ही। हाथ क्या होगा? कल में घुघनी था घूमने था, आज में क्या बनाऊं? अंडा क्या? था, भुजिया बनाओ बनाओ अल... जाओ लेके आओ। तो क्या, है तो कल का ही, कल का अंडा है ना, ओ घुघनी लेके हाँ, आओ। नहीं नहीं वो वाला नहीं, तुम्हारे लिए वो दूसरा वाला लेके आओ। पापा के लिए जो बनाए थे ना वो भी लेके जाओ। ओ ओ पापा कर लिया ये कॉर्नफ्लेक्स और दूध, पापा कर लिए है ये। और आज का काम है मेरा टॉवल धोना। गरम पानी हाँ हो गरम पानी में गया, टॉवल यहाँ भिगो वो दिया है। भिगो हाँ दिया है। नहीं दो ठोई मेरा और बेटी का, मेरा है बेटी का है। सफेद तो मैला होता ही है। हाँ जल्दी मैला होता है सफेद टॉवल, तो धोना पड़ता है। क्या है, धोना तो पड़ेगा ही, तो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। और फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ सुषमा ब्लॉग पर आने के लिए। गुड देखिए मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं बताना जरा। हम लोग सभी अच्छे हैं। आप लोगों को गुड मॉर्निंग तो बोलना भूल गया। रोटी भी खाया, परोठा जल्दी जल्दी। और आप लोग भी अच्छे होंगे शायद। ठीक है ऐसे ही चलता रहेगा। और ये कैलेंडर भी अब चेंज होने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पर नया लगेगा फिर ना, तो ठीक है तो शुरू करते हैं आज का काम। तो आप लोग को दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा वीडियो हम लोगों का घर का। ये मम्मी के लिए और ये पापा के लिए लेके जा रहा हूँ। आज खाजा खाजा खा के ना त्यहाँ पर सुत्नु नि ल लेना दिदी छु त अन्त पहिले त्यो खाऊ निलेको त्यो चपाउँदै गरेको खानु, पहिले खानु खानु ले खाऊ अँ खानु मेरो बाबा, त्यहाँबाट सुत्नु ल बाबा, ल बाबा, ल ल ल ल म दिदीछु त ल फेरि खानु ल ल ल खा दिदीछु त दिदीछु। ओ बाबा जुम घाममा राखिदिन्छु माथि मजाको घाम। म त्यही भरो त छैन जुम न माथि जुम न, घाम मजाको लागिरहेको छ, घाममा राखिदिन्छु त्यहाँबाट तेल लगाइदिन्छु जिउमा, तेल लगाइन्छ माखिदिन्छ जुम माथि ल सक्दिनँ त किन चलाउनु सक्दैन खै चलिरहेको छौ त अन्त बसिरहेको छौ खालि सुत्नु 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 भन्छ खराब छ खालि सुत्नु सुत्नु खालि सुत्नु सुत्नु ल पर्खा न पहिला खानु पर्दैन यो बाबा कहाँ शेष हुन्छ यति 100 वर्ष बुझ्नु पर्छ बाबा, 100 वर्ष बाँच्नु पर्छ नि हौ। अलिकति छ अलिकति छ अलिकति खाऊ त्यहाँबाट सुता न ल दाजु हे तेरिका के साह्रो भन्दिनँ म जा भन्दिनँ सुत भन्न भन्दिनँ म सुत पनि भन्दिनँ। अरे अरे बाबालाई थाहा छ ओद्लाबारीमा भाइ छ, भाइ थियो त के नाम अरे कर्ने, अन्त अहिले छ कर्ने खसिसक्यो 3 साल भयो, 3 साल भयो खस्यो नभए भेट्नु आउँथेन बाबालाई हो त आउँथ दाजु दाजु भन्दै आउँथ्यो है सबैजना आउँथ्यो बिचरा हेर त गयो काका छोडेर तिमीले बाबालाई छोडेर गयो काका नलड्नु न म यसो गरिदिँदैछु यी खुट्टा बाली जोडिदिँदैछु त मजा आउँदैछ त मजा आएको छैन अब सुत्ने बाबा फेरि अब मिलड्छु सुत्ने पनि होइन नि कहाँ लाग्छ त र खुट्टा सुतिदिन्छु त म खुट्टा बाबा बाबा चरा
ओ बाबा 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 को के रे आमा का नाम के रे ऐत्तमाया भुजेलो बोजू का नाम के थियो बाउ को नाम त बाउ को नाम गर्दबहादुर भुजेलो आफ्नो नाम भन्दैछ यस्तै नाम हो अरे बाबाको नाम के हो चन्दन भुजेल हो त्यो त मेरो नाम हो त्यस्तै नाम छ बिर्सेछ खालि सुत्नु खालि सुतेर 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 सब बिर्सिसक्यो सुत्दिनँ त बेसी म सुत्दैन कम्ताको छैन बदमास नि पहिला त मर्थ्यो होला है बदमास नि पहिला हाम्रो बाबा त बदमास बदमास पनि होइन कस्तो चाहिँ अन्त अन्त बेला बेलामा रक्सी खाकिन यस्तो झगडा पर्थेन त्यो के बदमास हो अन्त यस्तो खाइकिन लिएन अलिक लिएन के दिनु रक्सी बिहान बिहानै रक्सी अरे बिहान कहाँ हो खान के हुन्छ भर्खर 10 बज्दैछ रक्सी खाने खाइदिएन रक्सी बदमास होइन अन्त यस्तो वयसमा यस्तो भइरहेको छ रक्सी खान्छु भन्छ अन्त अब जाने बेला त भयो कसले लान्छ अब हामीलाई सबैले मिलेर लान्छ लाँदैन कसले लान्छ म लाँदिनँ म यहाँ म त यहीँ सुताउँछु खालि तिमीलाई छ नि म त लाँदिनँ त लानै पर्छ कर लाग्छ लाँदिनँ कसले लान्छ तिमीहरूलाई कहाँ कहाँ लाने छैन यहीँ सुत्नु सुतौँ यहीँ नै बाथरुम त साह्रै चलाएको सुतौँ साह्रो चलाएको नगर्नु त्यसो है चलाक नि पहिलाबाट पुरा चलाक नि चलाक त थियो बाप्रे म त लड्छु त मर्छु 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 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ लड्छु है अब है बस्नु मसँग बात मार्नु बात मार्नु बाँकी बात मार्नु क्या यी बात मार्दैछु त अन्त म अब के खाने के छ गयो खुट्टा नहिँडेर नहिँडेर बिगाड्यो गयो मर्छ बाबु अब मलाई लैजा भवनको बासमा भवनको बाटो चाहिँ कहाँ छ मलाई थाहा छैन त कुन चाहिँ अब कहाँ छ भन्छ सबले सबले भन्छ लैजाऊ म सक्दिनँ लानु कहाँ लानु धट फ्याँकिदियो परेर लगेर कहाँ फ्याँकिदिनु जहाँ फ्याँकिदिनु ला मरेको त मर्दा त्यो जहाँ फ्याँकिनु कहाँ मरेको छ बोलिरहेको छ मजाले नभन्नु हौ त्यसो राम्रो प्यारो गर्न प्यारो त गर्दैछु लुलु बाबा खालि सुत्नु सुत्नु म बात मार्दैछु यहाँ लिएर आऊ न म बात मार्दैछु होइन अन्त के बात मार म उठेर बात मार्दैछु त अन्त यहाँ बसेर यस्तो मसार दिँदैछु मसँग बात मार ब्रेकफास्ट हो क्या हाम्रो त चले टावल धोते मेरा और बेटी का टावल भिगोया था अब धोलाए चले काम करते हैं तो टॉवल धोना हो गया अब लगाएंगे उसमें देंगे अब उजाला उजाला के साथ में भिगोएंगे उसके बाद उजाला तो क्या है सब सफ़ेद सफ़ेद रंग है सब सफ़ेद सफ़ेद रंग लग गया ऐसे में तो उतना दरकार नहीं है हमारा यहाँ पर उजाला का टॉवल में देना पड़ेगा ये बहुत दिन हो गया ये अब भी बहुत है उतना यूज़ नहीं होता है ये उजाला बट धोना हो गया उजाला देंगे इसमें ठीक है धो दिया अब मेरा मिसेज देखिए क्या कर रही है क्या कर रही है मैं तबई खा रही हूँ तबई खा लो तो क्यों बुला रहे थे ये इसके लिए मैं तबई खा रही हूँ आप लोग देखिए आप लोग वही खा रही हूँ दवाई कैसे करके खाते हैं सीखिए दवाई कैसे करके खाते हैं ऐसा करती है दवाई है ना दवाई को ऐसा करके ये जो नाखून है उससे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना पड़ेगा ऐसा करके खाना पड़ता है आप लोग ने कभी दवाई खाया है क्या नहीं खाया इसीलिए तो सिखा रही हूँ तो मैं सुबह सुबह प्रेशर का दवाई लेती हूँ
प्रेशर का दबे भी लेते हैं और इधर बटन भी लेते हैं। खाना ही पड़ेगा तो इसलिए तो मुझे जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। तो खाना तो पड़ता है, मैं तो कुछ मीट नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ मटन खाती हूँ। वही बात है, अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा। एक तो मीट खाते हैं, वो भी नहीं खाने से तो कैसे होगा ना? हम तो वही गुस्सा करेगा ना सभी, इसलिए उसे भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है मुझे, ऐसे टोकते हैं मुझे, पुकार रहा है बाबा। ब्रेकफास्ट दे के आया तब आप लोग ने देखा, देखा मुझे बुला रहे हैं। फिर तो कल में हम लोग सिलगुड़ी में गए थे ना, तो महाराज जी को मैंने उतना वीडियो कर नहीं पाई क्योंकि वहाँ से वहाँ पर बोल रहा था कि वीडियो मत करना, जो वहाँ पर सेवक सेवा कर रहा है उन लोग सभी बोल रहा है कि कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियो मत करना। तो उन लोग बहुत कष्ट करता है सच में, इतना आदमी को उन लोग देखना, हाँ उन लोग का बहुत असुविधा होता है, इधर उधर देखना पड़ता है, लाइन करना पड़ता है, सभी उन लोग को देखना पड़ता है। तो हम लोग उन लोग का तो बात सुनना पड़ेगा ना, उन लोग सेवा कर रहे हैं। तो उन लोग बोल रहे हैं कि वीडियो मत करना, फ़ोटो मत खींचना, तो मैंने नहीं खींचा महाराज जी का। तो दर्शन किया, अच्छा लगा लगा। और हाँ, मेरा बहन ने हम लोग का, उन लोग तो वहाँ पर ही था, इससे उन लोग ने, मेरा बहन ने, मेरा मासी का लड़की ने, उसने वीडियो किया था रात में, वो वीडियो भी आप लोग को डाल दूँगी। हैप्पी न्यू ईयर में रात में जो प्रोग्राम होता है कैंडल लेके, तो वो वीडियो मैंने उससे मांगा कि थोड़ा डाल देना, तो उसने डाला है, आप लोग को दिखाऊंगी। हाँ, और हाँ, महाराज जी आए थे, माता जी सभी आए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं कर पाई रही, थोड़ा सा मन तो ख़राब है, लेकिन इतना मन भी ख़राब नहीं क्योंकि मैंने तो देखा। तो सभी बोल रहा था वहाँ पर, जो कोई भी वो वीडियो कर रहा था, तो उनको बोल रहे थे कि नमस्ते करके बोल रहा था, हाथ जोड़ करके बोल रहा था वीडियो मत करना, तो कैसे करके करूँ। और इतना भीड़ था बाबरे, आप लोग को कैमरे में उतना दिखाई नहीं दिया, इतना सारा भीड़, बाहर वीडियो कर सकते हैं, लाइन में भी इधर भंडारा में उधर उधर इधर कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी के वहाँ पर वीडियो नहीं करने के लिए बोल रहा था, तो इसलिए नहीं किया। जिस दिन गए थे उस दिन ही चला आए, कल भी था चला आया, आते आते कितना 7:30 हो गए थे यहाँ पर स्टेशन में। तो मेरा हस्बैंड एकदम मुझे सरप्राइज दिया, वहाँ पर ही खड़ा था। तो ठीक है, हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब दिन का काम सब खत्म, तो अब शुरू होगा लंच हमारा। तो देखिए, मेरा हस्बैंड अभी खाना खाते खाते, खाना खत्म, उसका देखिए क्या बोल रहे हो, सुनिए। ये जो हमारा टावर है ना, BSNL का टावर, ये टावर देखते देखते ना, मैंने ये टावर देखते देखते आँख थक गया मेरा। अब जाना है पेरिस का टावर, पेरिस का टावर देखना है, पेरिस जाना है। ये टावर जब छोटा था तब से देख रहा हूँ, टावर जाना है, पेरिस जाना है, मालदीव जाना है, इच्छा है जाने का, देखिए अब कब होगा। हाँ, आदमी लोग होके बड़ा बड़ा सोचना चाहिए। हाँ, सोचना पड़ेगा, क्या है सपना देखने में, क्या है, कोई पैसा तो नहीं, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, जाने की इच्छा है। और ये क्या, और इंडिया में तो जरूर घूमेंगे, ये जो ये घूमना है हाँ, देहरादून तो, और ये भवन का जो जगह है, कई जगह है, मत बोलो अभी हम लोग खाना खाया है, खाना खा रहे हैं, जो भगवान का जो कई स्थान है ना, वहाँ पर भी जाना है, मन है जाने का। तो अभी तो जाने के लिए तो अभी ठीक है, समय ठीक है, अभी ये समय ठीक है, तो नहीं तो पैदल पैदल इधर उधर करने के लिए भी ठीक है, लेकिन तो ठीक है, हम लोग का पैसा वैसा निकालो फिर, लोन निकाल लो, पैसे जमा करके क्या करें, क्या है घूमना तो पड़ेगा। हम लोग का सरकार इतना पैसा देता है जो सर्विस करता है, इतना पैसा देता है जो खाओ, बच्ची को थोड़ा सा पढ़ाओ, हाँ उतना अच्छा
अच्छा स्कूल में भी नहीं डाल सकते हम लोग, एकदम लिमिट में देते, लिमिट में एकदम लिमिट। हाँ तो बच्चे के पढ़ाने के लिए, खाना खाने के लिए, अगर दो बच्चे का दो बच्चे हो थोड़ा फिर भी उसमें भी कटान हो जाता है। और थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए ठीक है, उस वो करने से ठीक है, पैसा खत्म। सरकार हम लोग ऐसा लिमिट करके पैसा देते हैं, नाप तोल के देता है, नाप तोल के ठीक ठीक समय पैसा देने से इस लोग ये खाना पीना। हम लोग का ये ठीक ही है, फिर भी हम लोग के नीचे के हम लोग देखते हैं। अपने ऊपर से नहीं, अपने ऊपर जो है उसको देखने से कोई फायदा नहीं, अपने नीचे से नीचे देखते हैं। तो हम लोग भगवान से यही बोलते हैं कि हम लोग को भगवान को हम लोग को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ना, कि भगवान ने हम लोग को अच्छा ही बनाया। सब समय ऐसे ही बोलते। तो ठीक है, अभी खाना बर्तन भी साफ करना है। देखिए हम लोग का यहाँ पर बर्तन रख के एकदम डायलेक्ट मार रही हूँ, तो ठीक है। क्या क्या क्या, ये लड़की का तो पूरा काम है, बाबा रे, ये लड़की का पूरा काम है। देखो ना मुँह, देखो ना, तो देख दिखा रहे मेरा हस्बैंड ज्यादा काम करके। देखिए आप लोग सभी, आप लोग अभी अभी सब आप लोग ने आप लोग सभी बोल देंगे, फिर ऐसे ही तो मेरा देवरानी लोग सभी बोलते हैं, दाजुले तो पूरा काम कर दी, चंदन दादा ले पूरा काम कर, सबले भन्छ तपाईँको बुढाले त गर्छ नि काम। बाबरे दाजुले त दादाले त पुरा काम गरिदिन्छ नि भन्छ। फेरि पापाको थोरा जुस दिन आयो, रियल जुस थोरा पहिले गरम गर लु, थोरा ठन्डा है तो थोरा यहाँ ठन्डा कम जाए तो उसके बाद दे दिनु पापाको। एक कप दे देंगे। 17 तारिकको फिर 17, 18, 19 को तो फिर मेरा वो ओदलाबाड़ी में है, शादी का इनवाइट है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। 17, 18, 19, 20 का लौटेंगे जनवरी का। तो उसके बाद फिर फरवरी का 2 तारीख में, फिर फरवरी का 2 तारीख है हमारा वहाँ गुड़िया छोटी सी बच्ची का है राइस सेरेमनी, हाँ तो वहाँ पर भी जाना है। फिर 2 तारीख फरवरी, 2 फरवरी में जाना है। तो ठीक है, आप लोगों को तो ज़रूर दिखाएंगे, जाना तो पड़ेगा दो ही जगह। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर उठ के फिर पूजा वूजा करना है, संध्या बत्ती देना है, तो मम्मी पापा को चाय बनाना है, अभी पापा को जूस देंगे, थोड़ा हल्का गर्म किया पानी तो उसमें साइड में रख दिया है, एक बर्तन में रख दिया, तो उसके बाद कप का जो जूस है उसको बीच में रख दिया, थोड़ा ठंडा कम होगा तो उसके बाद पापा को देंगे। आप पत्नी भी आया? हाँ। ऐसा करके तो भैया क्या लिया फिर? शॉपिंग। अच्छा अच्छा, वो मेरा मिसेस तो मार्केट में आया है थोड़ा कुछ शॉपिंग करने के लिए, बाजार सब मार्केट सब बंद है। देखिए चले अब चलते, बहुत ठंड है आज, बहुत ठंड है, बहुत ठंडा हवा दे रहा है आज। चलो, मैंने एक चीज लेके आया था, देखिए बेटी को लिए, मैंने भी खाया, मेरे मिसेस ने भी खाया, देखिए बहुत टेस्टी था, अभी खा रहा है, देखिए बेटी टेस्टी है ना, कैसा है, टेस्टी है ना, तुमने भी खाया ना, टेस्टी था ना, समोसा टाइप का था ना, गोल गोल करके समोसा टाइप का था, लेकिन उसके अंदर फिर कोकोनट। ठीक है, बताएंगे, पूछेंगे कैसे करके बनाता है। टेस्टी,